हेलो दोस्तों, ये वीडियो हिंदी में है। दिस वीडियो इज़ इन हिंदी, बट इफ़ यू वांट एन इंग्लिश वीडियो यू कैन प्लीज़ आइदर कमेंट और यू कैन सिंपली फॉलो अलॉन्ग द स्टेप्स। आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू फॉलो। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ डू आई एडिट माई फोटोज़, वट इज़ माई कम्प्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ओके, आई विल जस्ट grab an image from memory card, I'll be editing it completely, I'll be giving the title, keyword, everything, and finally I will upload the image into Shutterstock. Okay, so I'll do it step by step. Okay, so first things first, this is my memory card. Okay, and I did a shootout, ek shootout maine kiya tha. लेट मी सी, मैक्सिमम फ़ोटोज़ आर ऑफ माई बेबी। ठीक है, मेरे बच्चे का ही मैक्सिमम फ़ोटो है। लेकिन यहाँ पे कुछ मेडिकल थीम का शूट आउट हुआ था। लेट मी सी, वेयर आर दोज। ओके, या यहाँ पे है, देखे। सो दीज आर द इमेजेस। नाउ आई विल सी, फॉर वेन यू क्लिक, नेचुरली आई क्लिक सेम इमेजेस, एक ही इमेज बहुत एंगल से मैं लेता हूँ, अल्टीमेटली जो सबसे अच्छा दिखता है उसी को मैं पोस्ट करता हूँ। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट इमेजेस। ओके, डेफिनेटली हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज इमेजेस एंड दीज कीप सेलिंग अ लॉट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वॉन्ट टू से दैट शी इज़ माई सीनियर। ओके, एंड शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हर टू साइन अ मॉडल रिलीज फर्स्ट। ओके, एंड देन आई वेंट फॉर द शूट आउट। ठीक है, so I cannot show you the exact details. okay, this is the model release and this is the Getty Images format. ठीक है, तो पहले ये शूट आउट से पहले ही मॉडल रिलीज में साइन लेना पड़ेगा। डोंट मेक दिस मिस्टेक। पहले सब कुछ हो गया फिर मॉडल रिलीज नहीं मिला तो होल टाइम वेस्ट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टेक मॉडल रिलीज एंड देन गो फॉर द शूट आउट। ओके, सो फ्रॉम दिस सीरीज, ओके, I'll just review these once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ye 6 images mein I think this image looks better and genuine. Okay, the concept hai ki ek doctor hai, wo abhi covid ke time pe online teleconsultation aise ho raha hai. I don't know ye image bikhega ki nahi, it was a casual shootout, but let's copy this image. Okay, तो यही हम लोग आज एडिट करेंगे, पिक्चर्स में डालते हैं इसको। ओके, सो दिस इज़ द इमेज। ओके, एंड आई विल मेक अ कॉपी, इसका एक कॉपी बना लेते हैं ताकि बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को जब दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं जो भी यहाँ पे एडिट करूँगा, आई डू इन फोटोशॉप। ओके, आई हैव गॉट ओरिजिनल क्योंकि मैं एडोबी स्टॉक का मेम्बर हूँ। आई गॉट अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, यू कैन ऑल्सो गेट दैट इफ़ यू आर अ एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर। ओके, आई ऑलरेडी मेड वीडियोज अबाउट दैट। नाउ आई यूज स्टूडियो लाइटिंग। ठीक है, मेरे पास स्टूडियो लाइट्स है एंड आई डोंट नीड टू शूट ऑन रॉ, इसीलिए आई शॉट ऑन जेपेग। ठीक है, ये डायरेक्ट जेपेग है तो आई विल जस्ट इम्पोर्ट दिस। इफ़ यू शूट ऑन रॉ डेफिनेटली इट्स बेटर इफ़ यू कैन मैनेज रॉ, बट फॉर मी जेपेग वर्क्स फाइन। ओके, नाउ देर आर मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू चेंज। दिस मे लुक फाइन, ओके वाओ व्हाट अ गुड इमेज, बट इट्स नॉट। सो क्या क्या प्रॉब्लम है इस इमेज में देखते हैं एंड एक एक करके उसको हम लोग ठीक करेंगे। राइट, देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू डू इज 100% जूम करके सारा लोगो हटाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द मेन पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग जूम करते एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, आईज़ आर इन शार्प एब्सोल्यूट फोकस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आईज शुड बी इन फोकस वरना पहले ही इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेथोस्कोप के ऊपर लोगो है, ठीक है, वॉच के ऊपर लोगो है, पेन के यहाँ पे लिंक हो जनरली मिलता है लोगो, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है, आई एम लकी। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे लिनोवो का लोगो है, यहाँ पे विंडोज़ का लोगो है, यहाँ पे इंटेल का लोगो है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे फ़ोन में जो बटन्स है ये भी कॉपीराइटेड, ये आपको हटाना पड़ेगा। ये पेन ड्राइव में ट्रांसेंड का लोगो है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये नहीं दिख रहा है तो ये हटाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी लिनोवो का एक लोगो था। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब हटाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही ये वीडियो
देखिए क्योंकि वीडियो ज़रा लंबा होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर देते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन कैसे चलता है। तो फर्स्ट मैं जो करता हूँ, कंट्रोल जे से एक न्यू लेयर बना लिया। सो न्यू लेयर बना के थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है आपका इमेज परफेक्ट है तो ये ज़्यादा इसको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, हो गया। तो हमेशा न्यू लेयर में काम कीजिए। तो फर्स्ट 100% जूम करके एडिट करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहले ही है ये स्टेथोस्कोप का लोगो। तो ये इसको कैसे हम लोग हटाएंगे, पेन टूल से। ओके, ऑल्ट दबा के सिलेक्शन आपको रिमूव करना होगा। ये थोड़ा टीडियस काम है। मैं फोटोशॉप एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये काम चलाने के लिए काफ़ी है। तो ये हो जाने के बाद कंट्रोल एंटर, तो ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है? अब इसको हम लोग ब्लैक से फिलअप कर देंगे। तो हम लोग लेंगे बी प्रेस करके ब्रश टूल, ठीक है? और ब्रश टूल से के बाद ऑल्ट प्रेस करके कलर सिलेक्ट करेंगे, यही वाला ब्लैक, ठीक है? तो ये देखिए प्राइमरी कलर ये ब्लैक सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ठीक है, फिलअप हो गया। और फिर कंट्रोल डी। तो देखिए ऑलमोस्ट ये स्टेथो अभी लग रहा है कि कोई ब्रांड नहीं है, इससे काम आराम आराम से चल जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया स्टेथो। इसके बाद हम लोग चलते हैं घड़ी के ऊपर। घड़ी में ये जो ब्रांड है, ब्रश का साइज़ कम कर लेंगे। उसके बाद बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं पैच टूल यूज़ करूँगा, ठीक है? तो यहाँ से थोड़ा पैच लेंगे, कंट्रोल जे दबा के पैच टूल आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ से लेके हटा देंगे, ठीक है? फाइन, घड़ी का लोगो हट गया। उसके बाद यहाँ पे लिनोवो का एक बड़ा सा लोगो है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको भी हम लोग आसानी से पैच टूल से हटा पाएंगे। फाइन, हट गया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो इंटेल का लोगो है उसको भी हटाना है। बहुत गंदा सिलेक्शन हो रहा है माउस का, क्योंकि मैं एक बेड पे रख के कर रहा हूँ ये वाला, फिर भी काम चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप अगर माउस पैड लेंगे तो आपका वर्क फ्लो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये हट गया है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए ये जो लोगो है माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी पैच टूल से ही शायद हट जाएगा। अगर नहीं होता है तो क्लोन स्टैम्प टूल से भी आप हटा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पैच ही कर दूंगा, ठीक है? तो हट गया, विंडोज़ लोगो भी हट गया। उसके बाद देख लेते हैं और यहाँ पे क्या है। कोई कोई लैपटॉप में ये सारे जो पोर्ट्स हैं वो भी कॉपीराइटेड होते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे उतना कुछ इश्यू होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेआउट है। ये ट्रांसेंड का लोगो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। एस दबा के क्लोन स्टैम्प टूल, फिर ऑल्ट से एक जोन सिलेक्ट करके उसके जैसा पेंट कर देंगे। तो हो गया ट्रांसेंड का लोगो, हट गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो बटन्स है ये हमको रिमूव करने हैं। ये भी क्लोन स्टैम्प टूल, ऑल्ट से क्लोन ले लेंगे एक, हटा देंगे, हट गया। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, हट गया। ये काफ़ी है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगो है। आप फिर से पैच टूल लेके, आपको अगर लगता है हटाना चाहिए तो हटा दीजिए, क्योंकि गंदा लग रहा है ये वाला। यहाँ पे जो भी है सिलेक्शन काफ़ी
काम चलाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा रह गया है। ओके, थोड़ा यहाँ पे भी है, इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हटा देंगे। ओके, तो अभी ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हुआ लोगो। अब यहाँ पे जो डोर्स एंड विंडोज़ है, ये मुझको देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक न्यू लेयर ले लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या था। बहुत कुछ लोगो था, सब हट गया है। देख सकते हैं कितना कुछ लोगो था, बिफोर एंड आफ्टर सब वैनिश। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, सारा वैनिश हो गया है। घड़ी, मोबाइल, यहाँ भी देख सकते हैं सारे फ़ोन का जो बटन्स हैं वो भी वैनिश। यहाँ पे विंडोज़ का लोगो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कॉपीराइटेड है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हुआ। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये वाला एरिया को थोड़ा ठीक करना होगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में दरवाज़ा ये सब आया है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करूँगा मैं, इसको क्विक सिलेक्शन से ले सकते हैं। ठीक है, क्विक सिलेक्शन से पूरा एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, आपको ये एनहेंस एज यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा और ये सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिलअप कर देंगे वाइट से। ओके, देखिए दोस्तों, बी सिलेक्ट करके प्राइमरी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट एंड बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल डी। देखिए यहाँ पे अभी लग रहा है कि बैकग्राउंड में वाइट है। ठीक है, लेकिन ये ब्लेंडिंग उतना कुछ खास नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैगेड एजेस है, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे डेफिनेटली। तो कैसे करेंगे, हम लोग लेंगे फिर से बी ब्रश टूल, ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कलर एंड यहाँ से मैनुअली पेंट कर देंगे। जितना बड़ा करेंगे ब्रश टूल, ब्रश का साइज़, उतना आपका ब्लेंडिंग स्मूथ रहेगा। ठीक है, दोस्तों याद रखिए ये फैशन फोटोग्राफी नहीं है। ठीक है, फैशन फोटोग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बारीकी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में, लेकिन ये स्टॉक फोटो है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक छोटा सा फोटो डाल के बाकी अपना ऐड देंगे, तो इतना तो आराम से चल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ओरिजिनल, हम अगर ये लेयर हटाए कि ऐसे था और इसका चेंज ऐसे हुआ है। ठीक है, क्या था क्या हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग अभी लेयर सेव कर देंगे, इसको पहले जेपेग में एक बार सेव कर देते हैं। पिक्चर्स, इसको हम लोग कर देंगे जेपेग और कर देंगे एडिटेड। ओके, मैक्सिमम क्वालिटी एकदम, मैं हमेशा मैक्सिमम पे रखता हूँ। और ये फोटोशॉप PSD जो फाइल है इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्सपिक्स सॉफ्टवेयर है। ओके, एक्सपिक्स सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। मेरे हर सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्यूटोरियल अलग से दिया हुआ है, बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख सकते हैं वो। तो ये एडिटेड को हम लोग डालेंगे एक्सपिक्स में। मेरे एक्सपिक्स फ्री वर्शन है, प्रो नहीं है। देखिए आप लोग, यहाँ पे गो प्रो दिखा रहा है, लेकिन मुझे प्रो नहीं चाहिए, अपग्रेड हमको नहीं करना है, तो लेटर। ठीक है, तो अभी डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर आपका मैक्सिमम फ़ोटो का सर्च
एंड डिस्कवरी सेल पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक लेडी डॉक्टर है जो कंप्यूटर को लेके ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल वही लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेडी डॉक्टर डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशन इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप ऑन अ टेबल विथ वाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये काफ़ी है, तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके यहाँ पे कर देंगे। टाइटल डिस्क्रिप्शन हमेशा सेम रखता हूँ। अब कीवर्ड्स देखिए दोस्तों, आप कीवर्ड सजेस्ट कीवर्ड्स में जाके सिमिलर इमेजेस से सर्च कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा अच्छा कीवर्ड्स नहीं आता है। आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा नहीं आता है तो आप कर सकते हैं, बट आई विल डू माई ओन कीवर्ड, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो जो है बस वही लिखना है। अगर आपके इमेज में 5, 6, 7 कीवर्ड्स इमेज डिस्कवरेबल हो जाता है तो वही काफ़ी है। 50 कीवर्ड देने के चक्कर में फालतू कीवर्ड्स मत डालिए, ठीक है। तो लेडी इंडियन डॉक्टर फीमेल मेडिकल एडवाइस ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रेस्क्रिप्शन स्पेलिंग अगर आपका गलत होता है तो वो ठीक करना होगा, ठीक है। कंसल्टेशन, ठीक, प्रेस्क्रिप्शन हुआ, उसके बाद वाइट कोट, ठीक है, स्टेथोस्कोप, टेली मेडिसिन, ठीक है, COVID-19 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नर्स भी लिख सकते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, पैड, ठीक है, बोर्ड, पेन, कॉपी स्पेस, और थिंकिंग, बस आई थिंक इतना ही है, ठीक है। पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। डिजीज़, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे सेव। तो देखिए ओनली कितना हुआ, 24 कीवर्ड हुआ, मेरे लिए ये काफ़ी है। देखिए अगर आपको लगता है, ये एक थोड़ा कम्युनिटी डिस्कशन है, आपके हिसाब में क्या लगता है क्या होना चाहिए ये फ़ोटो का टाइटल, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको अगर लगता है कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैंने मिस किया है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी एंड हेल्प योर सेल्फ, लेट अस डिस्कस, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ दोस्तों एक और एडिटिंग बाकी रह गया था, वो मुझे अभी याद आया, मुझको वो करना था लेकिन मैं मिस किया। वो है कि ये जो मोबाइल का स्क्रीन है इसको आप लोग वाइट स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, तो बस पेन टूल लेके चार दिशा में सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, ठीक है, और उसके बाद ये जो वाइट कलर है इसको इस फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक मॉकअप। तो यहाँ पे भी अपन कंपनीज अपना एड्स दे पाएंगे, ठीक है। तो बस इसको हम लोग कर देंगे फिर से सेव वही फाइल को, और इसको आप करेंगे अपलोड। इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको शटर स्टॉक में अपलोड करेंगे,
तो सबमिट डॉट शटर स्टॉक डॉट कॉम खोल देंगे। ये मेरा ड्रॉप डाउन आई मीन अपलोड मेनू है। तो यहाँ पे जो एडिटेड है, यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अब आपकी इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, हो जाने के बाद क्लिक नेक्स्ट। ओके, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग के लिए। अब रिफ्रेश कर देंगे। तो इसको पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कैटेगरी। कैटेगरी ऑफ कोर्स आएगी हेल्थ केयर मेडिकल, कैटेगरी नंबर वन, और कैटेगरी टू में आएगा पीपल। ओके, मैं ऑलरेडी डिटेल में कैटेगरीज के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए COVID-19, दिस इज़ करेक्ट। हेल्थ केयर, टेली मेडिसिन, तो ये सारे कीवर्ड्स शटरस्टॉक ने मुझे ऑप्शन दिया है करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और काम रह जाता है, वो है रिलीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए फोटो कमर्शियल, ठीक है, एलिस्ट्रेशन नहीं, इलस्ट्रेशन एडिटोरियल भी नहीं है। तो यहाँ पे रिलीजेस में ऑलरेडी ये मैम का रिलीज़ मेरे पास था शटर स्टॉक में, तो अटैच कर देंगे। अटैच कर दिया। ओके, एंड इसको कर देंगे सबमिट। ओके, तो ये पेंडिंग में है, आई एम श्योर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये फाइल जो मैंने आप लोगों के सामने कुछ घंटे पहले अपलोड किया था, अब मैं जब चेक कर रहा हूँ ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाया कि कैसे मैं एक मेमोरी कार्ड से एक फ़ोटो को एडिट करता हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब देता हूँ, कीवर्ड डालता हूँ, और इसको शटरस्टॉक में अपलोड करके मॉडल रिलीज देके अप्रूवल करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आज का कोड ऑफ द डे आप लिख सकते हैं, वो है अप्रूव्ड। ठीक है, आप अगर अप्रूव्ड लिखेंगे तो मुझको पता चलेगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फोटोग्राफर्स, कज़िन के साथ जो फ़ोटो लेना पसंद करते, ताकि हम लोग सब मिल के कुछ पैसा कमा सके फ्रॉम आवर पैशन। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक एक्साइटिंग वीडियो लेके नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।